अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू व्लॉग बाय हमना। तो आज मैं आपके लिए हेयर फॉल्स का सोल्यूशन लेकर आई हूँ, ठीक है, जिसमें आपकी हेयर फॉल सोल्यूशन स्टॉप हो जाएगी, डैंड्रफ स्टॉप हो जाएंगे, लाइज स्टॉप हो जाएगी, अच्छा आपके हेयर ग्रोथ करेंगे, शाइन करेंगे, ठीक है, और हेल्दी होंगे। तो ये सोल्यूशन कुछ इस तरह बनेंगी, ठीक है। ये मैंने मुल्तानी मिट्टी 3 चम्मच ली है, ठीक है, प्योर मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है। नीम का पाउडर हम 2 चम्मच लेंगे, ऑरियोर की एलोवेरा जेल 1 टीस्पून लेंगे, 1 चम्मच ले लें आप, ठीक है। विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स लेंगे, और कोई भी जो आप अपने हेयर्स पर ऑयल यूज़ करते हो वो लेंगे। इससे आपकी लाइज प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, डैंड्रफ भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, बाल ग्रो करेंगे, शाइन करेंगे, हेल्दी रहेंगे, और बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करेगा ये बालों को। तो ये ट्रीटमेंट आप वीक में 3 दफ़ा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसको बालों में 3 घंटे स्टे करने के बाद अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो कोई भी हेयर ऑयल आप यूज़ करते हो वो हेयर ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून, ठीक है। और अब मैं आपको पूरा पैक बना के बताती हूँ, ठीक है, और फिर आप देखें कि किस तरह का ये पैक बनता है। सो मैंने इसमें नीम ऐड कर दिया है, नीम पाउडर, क्योंकि नीम होता है कड़वा, जो बहुत ही आपके जो एंटीसेप्टिक चीज़ें होती हैं ना, ये नीम उसे ख़त्म कर देता है। नीम वो जर्म्स को मार देता है, चाहे वो रैशेज हो, खारिश हो, या कोई भी टाइप का एंटिक बैक्टीरिया आपके बॉडी पे लगा हुआ हो, नीम उसे ख़त्म कर देता है। आप इसे पानी में, नीम के पाउडर को पानी में मिक्स करके भी अपने एंड जहाँ पे बैक्टीरियाज लगे हुए होते हैं, अभी आजकल खारिश की बीमारी बहुत ज़्यादा चली हुई, आप उसमें भी ये नीम का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्योर नीम के लीफ लेके उसको बॉयल करके वो पानी से भी आप बाथ ले सकते हैं, यहाँ इनफैक्ट आप अपने हेयर्स को भी वॉश कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी लाइज, डैंड्रफ, इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और नीम होता है कड़वा, और ये आपके बालों की जड़ों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, ठीक है। अब मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड करती हूँ, ये 2 कैप्सूल यूज़ करती हूँ, और मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ऑयल हर्बल का है, ठीक है, और अब मैं सब इसमें ऐड करके फिर आपको बताती हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मेरा पेस्ट बन गया है, ठीक है। अगर आपके पास कभी कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, लाइक एलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं है, या हेयर ऑयल कभी कभार अवेलेबल नहीं होता, तो आप अपने इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं और अंडा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी को तेल नहीं इतना पसंद होता, तो वो दही या फिर अंडा एक पूरा ऐड कर दें विद जर्दी, ठीक है। किसी को अंडा पसंद नहीं है, वो किसी का तेल भी नहीं है या एलोवेरा जेल भी नहीं है, तो फिर आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा स्मूथ पेस्ट बन गया है, ज़रूरी नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो, ये इस तरह का टेक्सचर हो, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ही लिक्विड टाइप पेस्ट हो, ठीक है, ये इस तरह का होना चाहिए। इसको आप अपने स्कैल्प से लेके, रूट से लेके एंड्स तक पूरे बालों में अच्छी तरह लगा लें, और 3 घंटे तक अपने बालों में इसको स्टे रखवाएं, और इसके बाद अपने हेयर वॉश कर लें, ठीक है, अपने कोई भी फेवरेट शैम्पू से, ठीक है। ये आपकी हेयर मास्क समझ लें, हेयर पैक समझ लें, हेयर रेमेडी समझ लें, जो आपको समझना हो, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आपके बालों में, ठीक है। ये वीक में आपको 3 दफ़ा करना है, और 3 दफ़ा आप जब करेंगे तो आपके बालों में हेयर फॉल्स ख़त्म हो जाएंगे, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और लाइस ख़त्म हो जाएंगी, हेयर ग्रोथ होंगे, शाइन होंगे, स्मूथ होंगे, ठीक है। होप आपको आज की रेमेडी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और 1 थिंग मोर, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। लव यू, बाय बाय।